तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ वेज ट्राइंगल एलिपिनो. कैसी है ये बारबेक्यू नेशन की बिरयानी. वहाँ पे दो पीस दिए ब्राउनी के आई थी गुलाब जामुन. मजा आ जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, जन्नत इतना बढ़िया है ये खाना. मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कविताज क्रिएटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएं। Hi everyone, welcome back to my channel. तो आज मैं आई हूँ बारबेक्यू नेशन. मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ का बफे एंजॉय करने के लिए. अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी फैमिली कहाँ है, मैं तो बिल्कुल अकेले हूँ. तो गाइज मेरी फैमिली है घर पे और मैं उन लोगों के लिए यहाँ से बफे लेके आने वाली हूँ. जी हाँ, बारबेक्यू नेशन का इतना बड़ा मेन्यू एक बॉक्स में मैं लेके आने वाली हूँ और आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ और आप लोगों के साथ पूरा बफे मैं इनका शेयर करने वाली हूँ क्या क्या है इस बफे में. तो चलिए फिर पहले इनका बफे रिसीव करते हैं और उसके बाद चलते हैं उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं. तो चलो फिर आ जाओ. तो गाइस ये सारा खाना मिलने वाला है एक बॉक्स के अंदर, इजंट इट कूल. तो चलो फिर सबसे पहले जो है बारबेक्यू ना बॉक्स रिसीव कर लेते हैं. सो हियर्स आई हैव गॉट माय बारबेक्यू इन अ बॉक्स. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट एंड लेट्स गो. तो गाइस मैं लेके आ गई हूँ अपना बारबेक्यू इन अ बॉक्स घर पे, मैं से लेके आ गई हूँ. तो अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग. तो चलो फिर. तो जैसे कि आपने पैकेट देख ही लिया था, मतलब सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ पैकेजिंग की. तो गाइस पैकेजिंग मतलब बहुत अच्छी है, मैं पैकेजिंग को 10/10 दूंगी. मतलब बहुत अच्छा बॉक्स है, काफ़ी हैवी बॉक्स है और काफ़ी दूर से मैं इसे कैरी करके लाई हूँ तो बिल्कुल भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ. काफ़ी अच्छी तरीके से पैक किया है सेफली और यहाँ पे अच्छे से सील लगा हुआ है. तो चलिए फिर ये बॉक्स की बात हो गई, अब इसे हम ओपन करते हैं. तो गाइस ये है सेक्शन 1 जिसमें कि मुझे लग रहा है डेजर्ट है. तो अभी हम बाद में देखते हैं, पहले इसे पूरा ओपन कर लेती हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ. तो गाइस बारबेक्यू इन अ बॉक्स को मैंने जो है पूरा ओपन कर दिया है. तो ये है पूरा मेन्यू कंप्लीट. टोटल आइटम्स जो है इसमें 18 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो 18 आइटम्स हैं. तो चलिए फिर मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आइटम्स हैं और उसके बाद करेंगे हम इसकी टेस्टिंग कि क्या सच में बिल्कुल बफे वाला मजा आने वाला है या फिर घर पे या फिर ऐसे ही रहने वाला है. तो चलिए फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं. तो गाइज मैंने सारा मेन्यू ओपन कर लिया है. तो टोटल 18 आइटम्स क्या क्या हैं अब डिटेल में देख लेते हैं. गाइज ये है वेज कबाब और गाइज नेक्स्ट आइटम है हमारा पनीर टिक्का. तो ये है वेज ट्राइंगल्स एलपिनोस. ये है ग्रिल्ड पाइनएप्पल. ये है वेज फिंगर्स एंड ये है ग्रिल्ड कॉर्न. तो गाइज ये है इनका कंप्लीट स्टार्टर्स का मेन्यू जो कि आपको पता है कि बारबेक्यू नेशन जो है वो स्टार्टर्स के लिए ज़्यादा फेमस है. तो ये मेन्यू है और इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने दी है दो डिप्स इनको इन्जॉय करने के लिए. तो ये है स्टार्टर्स, अब देख लेते हैं मेन कोर्स. तो गाइज मेन कोर्स में सबसे पहले है ये पनीर. तो ये है यहाँ पे पनीर की सब्जी. तो गाइज नेक्स्ट आइटम है यहाँ पे दाल मखनी. बहुत क्रीमी लग रही है गाइज, बहुत ज़्यादा क्रीमी, बहुत भूख लग रही है वीडियो बनाते टाइम. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ. तो यहाँ पे ये है मिक्स वेज. तो गाइज ये है वेज बिरयानी और सालन. तो इसी के बगल में ये दिया है सालन बिरयानी के साथ इंजॉय करने के लिए. इसके साथ दिए हैं दो लच्छा पराठा. तो दो लच्छा पराठा है, आपके पास ऑप्शन है. अगर आपको लच्छा पराठा ज़्यादा चाहिए तो आप 50 रुपीज़ दे के एक्स्ट्रा दो करवा सकते हो. तो ये दो लच्छा पराठा है और ये है सैलेड. तो ये सैलेड है पूरा. गाइस यहाँ पे दिए हैं तीन डेजर्ट्स. ये है अंगूरी गुलाब जामुन जो कि बहुत डिलीशियस लग रहे हैं देखने में. ये है मूंग दाल का हलवा. तो हलवा भी है, गुलाब जामुन है और ये लास्ट जो कि हम सब का फेवरेट है ब्राउनीज.
तो गाइज अब कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे है ये कबाब्स, वेज कबाब्स आप देख सकते हो। तो चलो इसको मैं टेस्ट करती हूँ। ये डिप्स ले लेते हैं यहाँ से, बहुत भूख लग रही है। गाइस कबाब बहुत टेस्टी हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और काफ़ी अच्छे हैं। इसके साथ 6-7 पीसेस कबाब से दिए हैं, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। 3 लोगों के हिसाब से तो है, मैं और मेरे पेरेंट्स इसे इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ जो चटनी दी है ना, बहुत मतलब स्पाइसी है और टेस्टी लग रही है। तो अब जो मेरा फेवरेट है वो मैं ट्राई करूँगी, पनीर टिक्का। ये गया हमारा चटनी में, गाइस वीडियो की वजह से थोड़ा सा मेरा खाना ठंडा हो गया है, लेकिन टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। स्पेशली मुझे ये डिप्स बहुत अच्छी लगी है, मजा आ गया। चलो फिर नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, वेज ट्राइंगल एलिपिनोज। आई डोंट नो ये कैसे होंगे, लेट्स सी, क्या देखते हैं। इसको मैं इस वाली डिप के साथ ट्राई करूंगी। ये ओके ओके है गाइस, मतलब कंपेयर टू दीज टू मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, बट ये ओके ओके है। आप मतलब बेसिकली जो बफे होता है ना गाइज, वो हर तरीके के लोगों के लिए होता है। कुछ लोगों को पनीर बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को पनीर कम पसंद होता है, कुछ लोगों को ये इस तरीके के स्नैक्स ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उसमें हर टाइप के लोगों के लिए होता है, ताकि सब लोगों को जो है जो उनकी पसंद है वो मिल सके। तो अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं ये पाइनएप्पल। तो आई एम नॉट अ बिग पाइनएप्पल लवर, और तो देखते हैं कि ये मुझे पसंद आता है या नहीं। तो मुझे ये फ्रूट्स और स्टार्टर्स का कोई कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता, बट ठीक है हम ट्राई करते हैं कैसा है। गाइस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है, बिल्कुल थोड़ा सा खट्टा मीठा। और इस तरीके से अगर पाइनएप्पल मिलेगा तो मुझे खाने में पसंद आएगा, अच्छे से ग्रिल्ड है, काफी मजा आ रहा है इसे खाने में। तो गाइस इसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं ये वेज फिंगर्स, जो कि मुझे लग रहा है घर के कटलेट्स होते हैं ना, बिल्कुल मम्मी जो बनाती है वैसे ही लग रहे हैं। तो ये तो हम सबके बचपन से फेवरेट है, कुछ वैसा ही है। बिल्कुल वही टेस्ट है और बहुत टेस्टी है, मतलब स्टार्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो गाइस नेक्स्ट है ये ग्रिल्ड कॉर्न। जैसे मार्केट में भुट्टा मिलता है ना, जिसपे मसाला लगा होता है, नींबू लगा होता है, कुछ वैसा ही है। बॉयल भुट्टा है जिसको अच्छे से ग्रिल कर दिया है। तो टेस्टी है, कुछ डिफरेंट है, मतलब आप सब कुछ ऑयली तो नहीं खा सकते ना, कुछ ऐसा भी होना चाहिए। तो काफ़ी हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है एक ये ग्रिल्ड कॉर्न। तो गाइस ये सब है स्टार्टर्स, कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं मेन कोर्स। तो गाइज मेरे को तो आ रहा है बिल्कुल शादी वाला फील, जैसे मेरी किसी चाचा की बेटी की शादी और इतना सारा खाना है वहां पे। तो चलो फिर शादी के लिए प्लेट ले आते हैं, क्योंकि मेन कोर्स अब प्लेट में लेते हैं और इंजॉय करते हैं। तो लो जी ये ले लिया हमने पनीर, देन यहाँ पे हमने ले ली मखनी दाल। भाई शादी में आए हैं, थोड़ा थोड़ा लेंगे, सब कुछ टेस्ट करेंगे। ये ले लिया मैंने अपना मिक्स वेज, ये ले ली मैंने बिरयानी थोड़ी सी, इसके बाद थोड़ी सी ले ली मैंने अपने लिए सैलेड, और ये है मेरा सालन डिप। तो ये शादी की प्लेट तैयार है, चलिए फिर टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो गाइस सबसे पहले मेरा फेवरेट पनीर शुरू करते हैं। गाइस पनीर बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, मतलब दोनों ही पनीर मुझे बहुत अच्छे लगे, पनीर टिक्का भी और ये पनीर बटर मसाला जो है वो भी।
तो गाइस नेक्स्ट है दाल मखनी। तो गाइस दाल मखनी भी बहुत टेस्टी है, स्पाइसेस नहीं है ज़्यादा, बहुत माइल्ड है, और इसके अलावा थोड़ी सी बस बटरी मुझे कम लगी, लेकिन ऑल दो काफ़ी अच्छी है। तो गाइस नेक्स्ट है ये वेज, मिक्स वेज। पर्सनली मुझे मिक्स वेज ज़्यादा पसंद नहीं है, बट देखते हैं ये कैसी है। गाइस ये भी टेस्टी है, मतलब पूरा खाना बहुत स्पाइसी नहीं है और बहुत टेस्टी है। नेक्स्ट है ये बिरयानी। तो बिरयानी तो मेरी बहुत फेवरेट है, देखते हैं कैसी है ये बारबेक्यू नेशन की बिरयानी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मज़ा आ गया। सालन भी बहुत टेस्टी है। तो गाइस ये शादी की प्लेट तो बढ़िया है, अब शादी में जाने का मन है और कोई नहीं बुला रहा कोविड टाइम में, तो इसे बुलाओ, इसे मंगाओ और एंजॉय करो शादी। तो गाइस डेजर्ट में सबसे पहले मेरा फेवरेट गुलाब जामुन, मतलब ये किसका ही फेवरेट नहीं होगा, मतलब मुझे लगता है ये एक की जगह मैं सारे खा सकती हूँ, बहुत अच्छे हैं। क्वांटिटी भी बहुत सही दी हुई है, मतलब काफी अच्छी क्वांटिटी में दिया हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट हम देखते हैं मूंग दाल का हलवा, ये कैसा है। गाइस ये भी अच्छा है, बट अगर मुझे कंपैरिजन बोला जाए तो मुझे गुलाब जामुन ज़्यादा टेस्टी लगे। और लास्ट है ब्राउनी। तो यहाँ पे दो पीस दिए हैं ब्राउनी के, आई थिंक मतलब काफ़ी बड़ा एक बंच दिया हुआ है, तो थोड़ी सी ब्राउनी हमने ले ली है। परफेक्ट, माइक्रोवेव में गर्म करके ना गाइस मज़ा आ जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, जन्नत, इतना बढ़िया है ये खाना। तो गाइज ये मैंने आपके साथ बारबेक्यू नेशन का कंप्लीट मेन्यू शेयर कर दिया, बारबेक्यू इन अ बॉक्स। तो इसकी कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम, सारी चीज़ हमने बात कर ली, पैकेजिंग, सेफ्टी मेजर्स, एनीथिंग, सारी चीज़ें हैं जो टेस्ट कैसा है, पैकिंग कैसी है, सब कुछ हमने बात कर लिया, लेकिन प्राइस की बात तो अभी हमने करी ही नहीं। तो प्राइस इसका है 899 रुपीज़। जी हाँ, इस बॉक्स में आपको 899 में इतना खाना मिल रहा है, और जो मुझे लगता है 3 से 4 लोगों के लिए परफेक्ट है बिल्कुल। तो ये पूरा मेन्यू आपके साथ मैंने शेयर किया, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कविता क्रिएटिविटी को देखते रहिए। बाय।